पिपलोदा थाना क्षेत्र में बहन को शराब के नशे में आए दिन परेशान करने वाले जीजा की साले ने ऐसी पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। उसे सड़क पर पटक पटक कर पीटा, जिससे गंभीर घायल युवक ने मारपीट के दूसरे दिन ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने जांच के बाद साले के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि 10 अप्रैल को पंकज ने रमेश की जमकर पिटाई की थी। जीजा रमेश पंकज की बहन और भानेज आए दिन शराब के नशे में परेशान करता था। उसे सबक सिखाने के लिए सीमेंट कंक्रीट की सड़क पर पटक पटक कर अधमरा कर दिया। घायल को 10 अप्रैल को ही जिला अस्पताल लाया गया, तभी उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। रमेश पिता मोहन बागरी को, जो अपनी बहन को शराब पीकर आए दिन परेशान कर रहा था और उसका एक बच्चा भी एक्सीडेंट में घायल हुआ था, जिसका इलाज उसका साला पंकज शंभू बागरी करा रहा था, लेकिन बहन के साथ आए दिन मारपीट, शराब पीकर मारपीट करना, परेशान करना के कारण पंकज पिता शंभू जनरसी ने आवेश और गुस्से में आकर दिनांक 10 को रात्रि 11 बजे के आसपास उसको अच्छे से लात घूसों से मारपीट करी और उसको पटक के मारा, जिससे उसकी चोटें, उसको अंदरूनी चोटें लगी काफ़ी और उसका समय से इलाज नहीं हुआ, इस कारण से उसकी मौत होना पाया गया। ये चीज़ पीएम रिपोर्ट में भी स्पष्ट हुई है कि उसकी मौत मारपीट से हुई है। जांच के दौरान सभी तथ्यों के आधार पर हमने पाया कि मृतक रमेश की मृत्यु के कारण पंकज द्वारा मारपीट में पहुंचाई गई चोटें हुई थी, इसलिए तत्काल थाना हजा पर अपराध क्रमांक 77 धारा 302 IPC का कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आरोपी को आज हमने न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।